गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें हम कर रहे हैं रिवीजन। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जो रिवीजन है उसमें जो पहला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 1 था, निम्नलिखित रक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, वो मैंने आपको करवा दिया। फिर इसके बाद था प्रश्नों के आंसर, वो भी मैंने आपको करवा दिए। फिर है वर्ण से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये भी मैंने आपको कल इसकी पहले की वीडियो थी उसमें करवा दिया था। और आज मैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो करवाने वाले हूँ। समान तुक प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए, मतलब ये जो शब्द है उसे हमें फिर से लिखना है। तो इसमें शब्द है, पहला है सामाजिक जो शब्द है उसका तुक प्रास वाले शब्द में बनेगा आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक। अब दूसरा शब्द है भलाई, तो उसका बनेगा अच्छाई, बुराई, रिहाई और विदाई। ठीक है विद्यार्थी। अब नेक्स्ट है मानवता, जो मानवता शब्द है उसका शब्द प्रास वाले शब्द बनेगा सामाजिकता, प्रसन्नता, समानता और बंधुता। ठीक है। और अब लास्ट में है घबराहट, घबराहट का होगा आहट, जमावट, लिखावट और बनावट। अब है क्वेश्चन नंबर 5, तो गिनती को शब्द में और शब्द को अंकों में लिखिए, जो गिनती है उसे हमें शब्द में लिखना है और जो शब्द है उन्हें हमें गिनती में लिखना है, अंकों में लिखना है। ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे है, छिपानवे, तो उसका होगा 96। एक मिनट ना स्टूडेंट, नाइन्टी सिक्स का होगा छिपानवे। फिर नंबर 2 पर है, नंबर 2 पर है 67, तो 67 का होगा 68। 67 का कितना होगा 68। फिर है 51, तो उसका शब्द में होगा 51। फिर 88 का होगा 88। फिर है 78 का होगा 78। फिर है 57 का होगा 57। 69 का होगा 69। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 पर है 57 उसका अंक में होगा 97। तो अब है विद्यार्थी स्टूडेंट, निम्नलिखित शब्द के विरोधार्थी विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। तो उसमें ये जो है उसमें है कि जो शब्द दिए हुए हैं हमें उसका विरोध यानी कि विलोम शब्द चुनकर फिर उसका जो शब्द आएगा विरोधार्थी उस पर हमें एक वाक्य भी बनाना है। तो उसमें पहला है स्वच्छ,
फिर क्वेश्चन नंबर टू पर है देश, क्वेश्चन नंबर थ्री है प्रिय, और क्वेश्चन नंबर फोर का शब्द है अधिक। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग का शब्द, उसमें पहला क्वेश्चन नंबर वन पर है स्वच्छ, तो उसका विरोधार्थी शब्द बनेगा अस्वच्छ। फिर उसका वाक्य बनेगा हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए, उसका वाक्य प्रयोग क्या बना, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। और अब इसका विरोधार्थी वाक्य है वो कैसा होगा, तालाब का पानी अस्वच्छ होता है, तो इसका जो वाक्य प्रयोग तो कैसे हुआ, तालाब का पानी गंदा होता है तो हमें नहीं पीना चाहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर टू देश का विरोधार्थी शब्द होगा परदेश, तो उसका वाक्य बनेगा भारत मेरा देश है, तब उसका अब इसका विरोधार्थी शब्द का वाक्य बनेगा परदेश में संस्कार कम मिलते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिया, क्वेश्चन नंबर थ्री है प्रिय, तो प्रिय का विरोधार्थी शब्द बनेगा अप्रिय, तो उसका वाक्य होगा गोदन मेरा प्रिय उपन्यास है, गोदान मेरा प्रिय उपन्यास है। ठीक है, तब उसका जो विरोधी शब्द है अप्रिय, उसका वाक्य बनेगा शरारत करने से राजू सबका अप्रिय बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर फोर, अधिक और कम, तो उसका अधिक है, उसका वाक्य बनेगा अधिक खाने से ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ता है। अब जो कम है उस शब्द का वाक्य प्रयोग होगा चाय में शक्कर कम डालनी चाहिए, तो चाय है उसमें शक्कर कम डालनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करें, इसे भी ऐसा ही करना है, हमें जो शब्द दिए हुए हैं उसका समानार्थी शब्द ढूंढना है, और फिर जो शब्द है उसका भी वाक्य बनाना है, और जो समानार्थी शब्द है उसका भी हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर वन पर है सूर्य, तो इसका समानार्थी शब्द होगा सूरज, तो उसका सूर्य का वाक्य होगा सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। अब उसका समानार्थी जो शब्द मिला था उसका वाक्य होगा हमें सूरज के किरणों का सेवन करना चाहिए। अब नंबर टू पर है भूमि, जमीन, तो उसका वाक्य होगा सैनिक ने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, जो सैनिक थे उन लोगों ने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए। फिर उसका जमीन, उसका समानार्थी शब्द क्या था, जमीन, तो उस पर ये वाक्य बनेगा खाने की सभी चीज़ें जमीन पर पैदा होती है, खाने की सभी चीज़ें जमीन पर पैदा होती है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ थर्ड है प्राण, प्राण का समानार्थी शब्द है जान, तो उसका होगा सैनिक ने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, महापुरुष पेराव, परोपकार के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अब तीसरा है सहनशा, तो उसका होगा एकदम सहनशा, तो सहसा का होगा एकदम, तो उसका वाक्य होगा अध्यापक सहसा कक्षा से चले गए, और उसका जो समानार्थी शब्द था उसका वाक्य होगा सांप देखकर लड़का एकदम घबरा गया। तो स्टूडेंट
मैंने आपको अभी क्या क्या पढ़ाया, तो ये जो रिवीजन है उसके अंदर मैंने आपको ये समानतुक प्रास वाले शब्द थे वो उसको स बनाना सिखाया, फिर उसके बाद गिनती को अंक में और अंक को गिनती में करना सिखाया, फिर निम्न लिखे शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बनाकर उसका वाक्य बनाना सिखाया, फिर उसके बाद हमने निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था वो भी हमने किया। तो स्टूडेंट आप ये सब अपने होमवर्क की बुक में लिख देना और लर्न करना, और इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। थैंक यू।